आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। गर्मियों में पानी दो, पानी दो, पानी दो। उत्तराखंड जल संस्थान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। उत्तराखंड जल संस्थान मुर्दाबाद, उत्तराखंड जल संस्थान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक एक एक गड्ढा पट्टी है किशनपुर वासी के, हमारी तरफ से आपके लिए कि आप जिस तरह हमारे घर में पानी है आपके घर में ना आए। बढ़ती गर्मी के साथ देहरादून में पानी की किल्लत अब बढ़ती जा रही है। बारिश हो नहीं रही है, मानसून आने में वक्त लगेगा और तमाम देहरादून के अलग अलग वार्ड्स में अब पानी की कमी से लोग परेशान होते जा रहे हैं। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि देहरादून के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग जल स्थान पहुँचे हैं और यहाँ अधिशासी अभियंता का घेराव किया है। सूखे मटके लेकर मिट्टी के तमाम महिलाएं, आज उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा और जलस्थान में धावा बोला है उन्होंने। अब आरोप यही है कि तमाम ट्यूबवेल पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक इलाके में लगाए नहीं गए हैं, पानी है नहीं और अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 24 घंटे के भीतर पानी की आपूर्ति नहीं अगर जल संस्थान करता तो फिर यहीं पर धरना दिया जाएगा। महिलाएँ कितनी नाराज़ हैं वो भी मैं आपको बातचीत करके सुनाता हूँ। नाम शैलिना है। कहाँ रहती है शैलिना जी? काट बंगला। पानी कब से नहीं आ रहा? काफ़ी टाइम हो गया, हर बार गर्मियों में ऐसे ही होता है, पानी ही नहीं आता। इस बार तो हद ही हो गया, काफ़ी टाइम हो गया नहीं आया पानी। कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की? हमारा एक तो घर ऊपर चढ़ाई में, हमें नीचे उतरना पड़ता है और वहाँ से देखिए मेरा छोटा बच्चा है, इसके साथ पानी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या आज कहा यहाँ अधिकारियों से आपने मुलाकात? तो इन्होंने कहा है कि कल शाम तक देखते हैं पानी, आज शाम तक देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर हम कल फिर आएंगे यहीं पर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पूजा है। कहाँ रहती है? काट बंगला में। अच्छा, हाँ जी। से नहीं पानी है? सर हमारे यहाँ 4 तक से पानी है लेकिन हर गर्मियों में ये हाल है, हर गर्मी या बरसात पाइप टूटता रहता है, ये परेशानी हर बार हो रही है हमारे यहाँ। क्या अभी भी पाइप टूटे हुए हैं? पाइप टूटे हुए सर, बोल रहे हैं पाइप टूटे हुए लेकिन पाइप हमें दिख नहीं है टूटे। पाइप टूटा हो तो पानी तो बहेगा, पानी नहीं खुल रहा है लाइन में पानी। अगर पाइप वहाँ टूटा तो पानी बहेगा तो आएगा? पानी नाले में कहीं पानी नहीं, हम अभी जाके नाले से होके आए हैं, पानी बिल्कुल नहीं है कहीं भी, ऐसी परेशानी हो सर। 4 दिन से बच्चे, मेरे बेटे का हार्ट का ऑपरेशन का, बच्चे ने पानी ढो ढो कहा, बच्चे बीमार पड़े हुए घर में। कहाँ से पानी ला रहे हैं? हम लोग एक काट बंगले में आके देखो, छोटा सा पानी आता है, धारा बहता है, हम वहाँ धारे में लगे रहते हैं, सुबह 4-4 बजे लाइन में लगना पड़ रहा पानी के लिए। और जिन्हें घर में पानी है। मैडम क्या क्या बोला है अभी अधिशासी अभियंता से? आप दिया है आज शाम तक का, हमने कहा कि अगर आज शाम तक हमारी समस्या दूर नहीं, कल 11 बजे से हम यहाँ बैठे रहेंगे और उठेंगे नहीं। दिक्कत क्यों आ रही है? एक तो पूरे देहरादून की ही दिक्कत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी वाटर लेवल की भी अब दिक्कत आ रही है, तो क्या, चूंकि अब तो बरसात आने का समय, अभी आप अंदर कह रही थी कि ट्यूबवेल अभी तक पास नहीं हुआ, तो अब आके क्या फ़ायदा? मैंने नगर निगम से NOC दिलाई हुई है, आजकल करते हुए ये समय हो गया है, पानी के कनेक्शन बढ़ रहे हैं, मकान ज़्यादा बढ़ रहे, लेकिन इन्होंने हमारे पूरे वार्ड नंबर 4 राजपुर में अवैध रूप से ट्यूबवेल खूब चल रहे हैं लेकिन सरकार ने आज तक वहाँ एक भी ट्यूबवेल नहीं लगाया जिससे कि पानी की आपूर्ति हो सके। पानी बहुत है हमारे यहाँ, 4 मंजिल में पानी जो चढ़ता था वो अचानक इस साल जो है ग्राउंड लेवल पे भी नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा तो होगा ना, 4 से 3 में पहुंचेगा, 3 से 2, धीरे धीरे तो कमी होती ना, अचानक अभी कैसे आ गया है कि कुछ एरियों में इतना पानी आ रहा है कि उनके जो उसके टंकी के वॉल हैं वो बिल्कुल निकल जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो जा रहे हैं, लेकिन कई तो इनका सिस्टम में कुछ कमी है जिसके कारण पानी की हमें समस्या का जो जूझना पड़ रहा है। तो क्या आपने अल्टीमेटम दिया है अभी कल से? तक का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद कल से हम 11 बजे से फिर यहीं पे बैठेंगे और उसके बाद हम उठेंगे नहीं जब तक एक एक घर में पानी नहीं आ जाएगा। चलिए देखिए, तो ये तमाम जो महिलाएँ हैं वो परेशान हैं, देहरादून की ये तमाम महिलाएँ रहने वाली हैं, लंबे समय से पानी को लेकर शिकायतें की जा रही थी जल संस्थान को, पेयजल को, लेकिन किसी भी शिकायत का निवारण नहीं हो रहा था। तो आज ये गुस्सा देहरादून की महिलाओं का फूटा है, सर में घड़े लेकर ये महिलाएं आज पहुंची हैं, अधिशासी अभियंता से यहाँ मुलाकात की है और अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, अगर पानी नहीं आता तो ये तमाम महिलाएं यहीं पर धरने पर बैठेंगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवर्त, जय भारत टीवी।